मोतिहारी जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सुगौली थाना परिसर में पानी भर गया है, अधिकारियों के क्वार्टर्स तक जलमग्न हो गए हैं। जो सिकरहना नदी है उसके उफान पर होने की वजह से ये परेशानी बताया जा रहा है लोगों की बढ़ गई है। बागमती नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ा हुआ है और बागमती नदी का जो पानी है वो कई इलाकों में घुस गया है। देखिए किस तरीके की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से नेपाल से जो पानी आ रहा है, बागमती, लाल बकैया नदियां, इन्हीं का ये प्रकोप है जो मोतिहारी पर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जिले में कई जगह पानी सड़कों के ऊपर, लबालब सड़कें नजर आ रही हैं। स्तर देखिए कितना ज्यादा जल का नदियों में। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से सटे कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मकान, घर, झोपड़ियां सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खेतों में जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी, लोग बंधक बने नजर आ रहे हैं, जल बंधक। और वहीं पुलिस थाने की भी तस्वीर देख लीजिए आप। इन हालात में जो पुलिस मदद पहुंचाने का काम करती है वो भी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। थाना भी पानी पानी नजर आ रहा है। मोतिहारी के बाद अब आपको बिहार के दरभंगा लेकर चलते हैं। यहाँ तटबंध टूटने से हालात बहुत खराब हो गए। कोसी नदी का तटबंध टूटा है, इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। कोसी बैराज के पास ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। अरे भाई, हम अहाँ का नहीं जाते, लेकिन अरे तोरी के वीडियो बनाओ ना, सब काम दे, वीडियो काम दे, लाइट वर्ड के और कत छे पोजीशन गड़बड़ देखियो की। हां निकल जा, निकल जा, आप बनाओ ना, आप एक हां ये भाग गए, ये भाग लिए तो। ABP News, आपको रखे आगे।